दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप, आज इसका वजूद खतरे में है। पास बहती ब्रह्मपुत्र नदी इसका दो तिहाई इलाका निगल चुकी है और बाकी बचे हिस्से पर संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के किसान। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ जिंदगी के हर रंग देखने को मिलते हैं। सात बहने कहे जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी बहन है असम। पूरे पूर्वोत्तर का केंद्र बिंदु है असम। और उसका ये नगर गुवाहाटी। इस समय गुवाहाटी पूरी तरह जगा नहीं है। पास ही बहती ये ब्रह्मपुत्र नदी भी शांत मुद्रा में है। लेकिन जिंदगी की चुनौतियां गुवाहाटी में नहीं दिखती। वो दिखती हैं यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर दुनिया के इस सबसे बड़े नदी के द्वीप माजुली में। दशकों से जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है माजुली में। और इसके गवाह हैं यहां रहने वाले। जरा गौर कीजिए, 1950 में माजुली का क्षेत्रफल था 1250 वर्ग किलोमीटर। अब ये सिकुड़ कर रह गया है मात्र 450 वर्ग किलोमीटर। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी माजुली के कुछ हिस्से को निगल जाती है। हर दिन मौत के आगोश में समाता जा रहा है माजुली। अगले 30 साल में माजुली पूरी तरह विलुप्त हो सकता है। और इस ख्याल से यहां के बाशिंदे अच्छी तरह वाकिफ हैं। पर इस सब के बावजूद अपनी ही लय और ताल में झूम रहा है माजुली। पर सिर्फ खुश रहने से ही हकीकत बदल नहीं जाती। हर साल मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी माजुली पर नया आक्रमण करती है। और तब सहम जाता है माजुली। माजुली की करीब 70% आबादी मिशिंग समुदाय की है। मॉनसून का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं लोगों पर पड़ता है। साल में एक बार
ब्रह्मपुत्र इनके कई गांवों को तहस नहस कर देती है। मजबूर कर देती है इन्हें किसी दूसरी जगह डेरा डालने पर। फिर सारा गांव ही नए सिरे से स्थापित होता है। ऐसा ही ये नया बसा गांव है करातीपार इलाके में। विमल डोले यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। अपने लोगों की दिक्कतों का हवाला वो कुछ इस तरह से देते हैं। वो जो ब्रह्मपुत्र ने वो जो प्लाट है, वो प्लाट आता है, वो खेती जो हम लोग का वो गांव के लोग ने खेती कर रहा है, वो खेती भी नुकसान होता है प्लाट में, वो घर भी नुकसान होता है। घर के हमारा मिसिंग आदमी के लोग वो सांग घर है, तो वो सांग घर में पानी वो तेल है, सांग घर का तल में पानी होता है। वो हमारा हम लोग का वो कुकुरा है, गावरी है, वो गावरी भी वो प्लाट ने वो बारिश का प्लाट वो। और जरा सुनिए चंदन बेगू की दास्तान। तो 27 में आपकी याद में कितनी बार आप अपना घर बदल चुके हैं, कितना आपको याद है? मैं तो याद आ गया, 4-5 बार तो हो गया हमारा। इधर तो 6-7 महीने रहते पानी ऐसे। अच्छा, इसके लिए खेती बाड़ी तो कुछ नहीं होती, सिर्फ कार्य रबी फसल होता है इधर। तो शिफ्टिंग के काम में दोबारा घर को बनाना पड़ता है? दोबारा घर बनाना पड़ता है। उसमें कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो होते 2 लाख होना चाहिए। और घर बनाने में कितना वक्त लगता है? टेम्पररी में तो 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन परमानेंट लेते हैं। मिशिंग समुदाय के गांव में हर घर के बाहर एक नाव जरूर मिलेगी। बाढ़ के वक्त यही एक जरिया रह जाता है उनके आवागमन का। एक और चीज जो यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करेगी वो है यहाँ की सफाई और स्वच्छता। कूड़ा और गंदगी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी इन घरों के आसपास। और रही हर कुछ साल के बाद नया घर बनाने की मजबूरी, तो उसे भी ये मिशिंग लोग सहजता से स्वीकार करते हैं। बल्कि कुछ का मानना है कि यही दिक्कतें तो जिंदगी में उमंग भरती हैं। दिक्कत है भी तो इसीलिए तो लाइफ बनता है। प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता है मिसिंग समुदाय का। हर वो चीज जो जीवित है वो उससे बंधे हुए हैं। ये दार्शनिक फलसफा इनकी हर गतिविधि में नजर आता है। आज का दिन दबुल पूजा है। दबुल पूजा मतलब जैसे हम लोग सूर्य को मानता है, सृष्टिकर्ता है बोल करके, हम लोग इसी धरती पर जन्म हुआ, यहाँ काम करके खेती करके खाता है। साल भर में एक का बाद एक काम करते करते हमारा बहुत अपराध होता है। जैसे खेती करने के टाइम में जंगल कटा, आग जला दिया, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया, फिर कुदाल मारा, हाल मारा,
अंदर में कोई इंसेक्ट मर गया है, इसको अपने आप को अपराध समझता है। इस अपराध से हमको माफ़ी मांगने के लिए ये साल भर में हर मिसिंग गांव में एक डबुर पूजा होता है। आज हम लोग साल का जो 30 मई में डबुर पूजा है बोल करके हम लोग खाली प्रे करने के लिए आया। कर्मठता भी दिखती है इन मिशिंग गांवों में। सूत काटती ये महिला जानती है कि माजूली में जिंदगी जीना आसान नहीं। इस कपड़े को बाजार में बेच वो ठीक ठाक पैसे कमा लेगी। जवान हो या बूढ़ा, हर कोई माजूली में काम करता दिखेगा। निठल्ला बैठना इनकी फितरत में ही शामिल नहीं है। पिछले 40 मिनट से ये बूढ़ा ब्रह्मपुत्र के किनारे जाल बिछाए बैठा है। अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी, पर कोई बात नहीं, कभी तो फटेगी। माजूली का सबसे चहल पहल वाला इलाका है कमलाबाड़ी। एक तरह से दिल है ये दुनिया के इस सबसे बड़े नदी के द्वीप का। यहाँ की हलचल देख लगता ही नहीं कि आप किसी नदी के द्वीप पर हैं। वो भी ऐसे द्वीप पर जो 2/3 विलुप्त हो चुका है। कमलाबाड़ी से थोड़ा सा बाहर आइए और रूबरू होइए यहाँ के हरे भरे खेतों से, इनमें काम करते किसानों से। लगातार सिकुड़ते जा रहे माजूली द्वीप को लेकर तो ये किसान चिंतित हैं ही। ना मालूम कब उनके खेत ही गायब हो जाएं। समा जाए ब्रह्मपुत्र नदी के भीतर हमेशा हमेशा के लिए। पर एक और बड़ा कष्ट है माजूली के किसानों को, वो है उनकी पैदावार की सही कीमत ना मिलना। वजह साफ है, माजूली के किसानों के लिए सबसे नजदीकी मंडी है असम के ही जोरहाट शहर में। जोरहाट आने जाने का एक ही जरिया है ये बड़ी नावें। फसलों को नावों में ढोकर जोरहाट की मंडी में लाया तो जा सकता है, पर यह काफी महंगा पड़ता है। और इसी वजह से बड़े लाभ से अक्सर चूक जाता है माजूली का किसान। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब बहुत कम। क्या जिंदा रह पाएगा माजूली या फिर समा जाएगा विशाल ब्रह्मपुत्र की गोद में? आखिरी जीत किसकी होगी, इन लहरों की या इन मेहनतकश लोगों की? चुनौती की अगली कड़ी में देखेंगे माजूली के कुछ और रंग, जिनमें गम भी होगा और खुशी भी।